वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता के आदेशानुसार तथा पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ के निर्देशानुसार महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह द्वारा लगातार जरूरतमंदों की विभिन्न प्रकार से मदद की जा रही है। उन्हें मास्क सैनिटाइजर के साथ साथ महिला थाने पर बनाकर लंच पैकेट वितरित करने के साथ महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह द्वारा लोगों से लॉकडाउन का पालन कराना, उन्हें कोरोना वायरस बीमारी के संबंध में जागरूक करना, उससे बचाव के तरीके को बताया गया। साथ ही साथ आरोग्य सेतु ऐप के संबंध में जानकारी देते हुए लोगों के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को अपने सामने डाउनलोड कराया गया। इस कार्य में महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह के साथ उप निरीक्षक अखिलेश यादव, मुख्य आरक्षी संगीता सिंह, उमा देवी, संगीता आरक्षी गुंजन यादव, पूजा यादव, सीमा मौर्य आदि द्वारा लगातार सहयोग किया जा रहा है। आरोग्य सेतु प्ले स्टोर पे जाके आरोग्य सेतु डाउनलोड करो। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके उसमें सही इंफॉर्मेशन अपनी जितनी है उसको भरो और 10 लोगों को और भी जाकर अपने अगल बगल जितने हैं उनको भी डाउनलोड कराओ। हेलमेट क्यों नहीं लगाया है? हेलमेट लगाना चाहिए ना, आपकी सुरक्षा के लिए सब कुछ बताया जाता है। पुलिस कह रही पुलिस बुरी बन जाती है, सुरक्षा के लिए तो वो कहते हैं कि मास्क लगा लो, हेलमेट लगा लो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, लॉकडाउन है उसका पालन करो, शासन की मदद करो। किसकी तबीयत खराब है? क्या हो गया? ठीक है, डाउनलोड ऐप डाउनलोड करके दिखा दो। और अगल बगल जो लोग भी होंगे उनको भी डाउनलोड करा देना आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है, जाओ। तुम लोग घर से बाहर निकले हो बिना मास्क के क्यों निकले हो? मास्क कहाँ है तुम्हारा? तुम लोगों को पता है बिना मास्क के नहीं निकलना है। मोबाइल रखे हो? आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किए हो? करो डाउनलोड करो मेरे सामने, तुम भी करो। आरोग्य सेतु जाके प्ले स्टोर पर जाओ, उसको डाउनलोड करो। मैडम कर लेंगे मैडम। नहीं अभी करके मुझे दिखाओगी तुम भी? निकालो मोबाइल करो, प्ले स्टोर पे जाओ, आरोग्य सेतु ऐप से डाउनलोड करो, लिखो। आरोग्य सेतु है ना, ऊपर एक ऐसे बोला का बना होगा, देखो घर कहाँ है तुम्हारा? तुम डाउनलोड करोगे, पांच लोग को एक खड़े रहो, पांच लोग को ऐप डाउनलोड करवा के करना, पांच लोग को ऐप डाउनलोड करवाओ, पांच लोग इसको डाउनलोड करने के बाद पूरी डिटेल अपनी भरो, जो लोग गाड़ी चालू करो तो डाउनलोड कराओ।